1999 से एक इंसान सबका पेट भर रहा है, सभी को पानी पिला रहा है और वो पानी पिलाता है थार के अंदर। अपनी नौकरी छोड़ करके उस इंसान ने एक थार खरीद करके सबको पानी पिलाना शुरू किया। ये देखिए 4 लाख की थार खरीद करके यहाँ हर किसी इंसान को पानी पिलाया जाता है और साथ ही साथ अगर किसी को भूख लगती है तो उसके लिए भी कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। यही वो अंकल है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, यही वो शख्स है जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और कुछ मीडिया कवरेज होने के बाद ये अंकल लगभग हिसार के मिनी सेक्रेटरीट के सामने यहाँ पर अपनी थार खड़ी करते हैं और थार खड़ी करने के बाद लगभग 2-4 घंटे यहाँ सभी को फ्री में पानी पिलाते हैं और वो भी एकदम ठंडा पानी। इसके अंदर एक आरओ का ठंडा पानी रखा जाता है, टैंक लगाया हुआ है अंकल ने। और आपको बता देती हूँ कि आखिरकार इनके साथ अब क्या होने लगा है। जैसे ही सभी को पता लगा कि ये पानी पिलाते हैं सबको तो वैसे ही मीडिया की कवरेज के लिए यहाँ पर लोग आने लगे, बहुत सारे फोन यहाँ पर सभी को आने लगे अंकल को कि भाई आप बहुत अच्छा आप काम करें, हमें आपके ऊपर एक स्टोरी बनानी है। लेकिन आखिरकार इनके साथ होता क्या है, कवरेज के चक्कर के अंदर इनके साथ अब फ्रॉड होने लगे हैं। इस गाड़ी को लेकर के जो ये अच्छा काम करे इसको लेकर के इनके साथ जो है फ्रॉड होने लगे हैं। और अंकल से ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या फ्रॉड हो रहे हैं। और कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमें आपकी कवरेज करनी है, इसी को लेकर के नंबर इनके आगे से आगे किसी न किसी के पास जाते जा रहे हैं। कभी किसी लड़की का फ़ोन आता है तो कभी किसी लड़के का फ़ोन आता है जो इनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं और इनके साथ जो है अश्लील हरकतें करने की कोशिश करें, वो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आखिरकार आपके साथ हुआ क्या है। एक लड़की का टेलीफोन आज मेरे पास, उसने ये मैं पूछा ये आप कहाँ से बोल रहे हो, उसने कहा कि मैं जयपुर से बोल रही हूँ, पहाड़ी इलाके से। हाँ। तो वो पहले तो धीरे धीरे बात करती रही जी, वो फिर सारे कपड़े निकाल दिए उसने, फिर उसके बाद वो बात करती रही जी, उसके फिर 10-1 मिनट के बाद मैं बंद करता रहा जी। हाँ। वो दोबारा फिर कॉल कर दी जी। मैंने 4 दफ़े बंद किया, 4 दफ़े उसने दोबारा फिर टेलीफोन किया जी। उसके बाद उसने कहा कि मेरे को 1,000 रुपये भेज दो। मैं कहने लगा माँ 1,000 रुपये मेरे पास तो है को नहीं। नुका वहाँ आपने 1,000 का के करना, नुका मैंने लोकल परचेज करनी है जी। फिर मैंने बंद कर दिया जी, जी। बंद करने के बाद 2-3 दिन के बाद एक आदमी का टेलीफोन आया जी, उसने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ व्हाट्सएप से, और मेरे को 11,199 रुपये भेज दो, और जिस लड़की से आपसे बात हुई थी वो फोटो बना लिए है हमने और मैं व्हाट्सएप पर डालता हूँ। मैं तुम ऐसे करे व्हाट्सएप पर डाल दे जी। और मेरे को तो अभी तनख्वाह मिली को नहीं। इनका आप कहाँ नौकरी करते हो, मैं नौकरी सार में ही करता हूँ। वो 15-16 उसने फिर कहा कि 11,199 रुपये की माँ रसीद दोगे, नुकर रसीद नहीं मिलती। उसके बाद वो 15-16 दिन के बाद बस स्टैंड पर आ जी। बस स्टैंड पर आने के बाद उसने कहा कि आपका नंबर मेरे पास है, मैंने आपसे टेलीफोन कराया था। मैं कब कराया था, नुकर 10-15 दिन हो लिए, माँ मेरे को तो पता नहीं भाई। तो नुकर मैंने आपका पिछले लगभग 7 सालों से युवा समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। वो इंटरव्यू लेना है, उसने इंटरव्यू लिया मोबाइल से ही, और ये कहा कि शनिवार को मैं वो व्हाट्सएप पर डालूँगा, आपसे पहले बात कर लूँगा। तो उसके बाद शनिवार को उसने आने, वो भी मेरे को मिस गाइड कर रहा है, 11,199 रुपये मांगता आदमी वही है जी, जी। मैंने SHO को कहा जी 16-17 सेक्टर में कि इसी स्टेज से मेरे साथ एक लड़की ने बात करी जिन्होंने कब करी थी,
मां रात को 10 बजे करी नुका 10:30 बजे मेरे पास आई थी। यानी कि SHO के पास भी उसी लड़की का फोन आया था। उसने ये कहा जी कि वही लड़की होगी जो सारे कपड़े निकाल दिए उसने, तो वो उसने मेरी वो रिपोर्ट लिख ली थी जी SHO ने। बोले अभी कोई नंबर आवे ना तो टेलीफोन आओ तो बताइए मेरे को जी। तो इसने जो 11,199 रुपए मांगे थे, इसके बाद अगले दिन में फिर गया इसके पास SHO के पास, माँ जी इस नंबर से मेरे पास टेलीफोन आया है जी। और उसने 11,199 रुपए मांगे हैं। फिर SHO ने उसी नंबर से उसके साथ बात की जी, जी। अब उसके साथ SHO साहब ने तो उसको खूब खड़काया जी, जी। उसके बाद मेरे पास टेलीफोन को नहीं आया जी। फिर मैंने जिससे ये गड्डी ली है उससे उससे बात करी हमदर्दी के हिसाब से जी, जी। उसने ये कहा कि ये मेरा पिताजी है, आप इसको इसके बारे में आप टेलीफोन कैसे करते हो इसके पास। तो उसने भी उसको कम से कम 8-10 मिनट उसने बात की जी उसके साथ। उसके बाद उसका टेलीफोन को नहीं आया जी। वो फिर 15-16 दिन के बाद बस स्टैंड पर इंटरव्यू लेने आया जी। मेरे को ये शक है कि वो आदमी वही आदमी था। अच्छा। जिसने ये आते ही ये बताया कि 15-16 दिन पहले मैंने टेलीफोन कराया था आपके पास, आपका नंबर मेरे पास है। हाँ। तो उसके बाद शनिवार ने उसने व्हाट्सएप पर डालने के लिए कहा था मैं आपके पास टेलीफोन करूंगा, और शनिवार तो निकल गया जी, उसने डाला कौन है ना मेरे साथ बात हुई थी। यानी कि मीडिया के नाम के ऊपर आपसे धोखाधड़ी चल रही है। हाँ जी, व्हाट्सएप के नाम से के हम ये करेंगे वो मिक्सिंग फिक्सिंग कर करा के हम तो अनपढ़ आदमी हैं जी, हमें तो पता नहीं लगता मोबाइल में फोटो कैसे निकालना है, कैसे वो करना है। हाँ। और हमारे को ये इस किस्म के आदमी मिसगाइड करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं जी। तो आपको दिख रहा है कि हिसार के अंदर एक हनी ट्रैप का मामला सामने आया है। एक इंसान, एक समाज सेवी इंसान जो लघु सचिवालय के सामने फ्री के अंदर सभी को ठंडा पानी पिलाता है, उसके साथ हनी ट्रैप का मामला सामने आया। एक लड़की उनको फ़ोन करके परेशान करती है, उसके बाद उनकी फ़ोटो ले ली जाती है व्हाट्सएप वीडियो कॉल के ऊपर। उसके बाद एक लड़का फ़ोन करके कहता है कि आप हमारे खाते के अंदर 11,000 रुपये डलवा दीजिए, अगर आपने नहीं डलवाए तो ये सारी की सारी वीडियोज़ और फोटोज जो है व्हाट्सएप के सभी ग्रुप्स के अंदर चली जाएंगी। और जब ये वारदात होती है तो ये सीधा जा करके चौकी के अंदर चले जाते हैं, चौकी के अंदर जा करके SHO को कहते हैं, तो SHO भी यही कहता है कि मेरे साथ भी यही हो रहा है। तो आप लोग देखिए कैसे काम इंसान को हनी ट्रैप के अंदर फंसाने की साजिशें रची जा रही है। तो वही एक SHO को भी ये लड़की जो है हनी ट्रैप वाली नहीं छोड़ रही है। आपको क्या लगता है कितना गलत काम ये हो रहा है जी? सबसे पहले ठंडा पानी पाऊ मैं ये पैसा गिफ्ट में देता हूँ। अच्छा, वैसे अच्छा आप ये बताइए कैसा लगता है आपको जब ये यहाँ पर फ्री में आकर के ठंडा पानी पिलाते हैं? ये पानी पिलाते हैं सबको, अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है, आत्मा प्रसन्न होती है मन से। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक समाज सेवी आम इंसान के साथ कैसे एक लड़की इतना घटिया जाल बिछा करके मीडिया के नाम के ऊपर पैसे ठगने की कोशिश करी है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ फ्रॉड हो रहा है तो कहीं ना कहीं अपने आप को बचा करके रखिए, क्योंकि एक बुजुर्ग इंसान के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो एक नौजवान इंसान के साथ तो कभी भी हो सकता है। तो सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। ये खबर दिखाने के पीछे का मकसद यही था कि आजकल ऐसे ऐसे मामले चल रहे हैं जिससे अपने आप को बचा करके रखिए। और अगर किसी अननोन नंबर से किसी लड़की का फ़ोन आता है तो वो प्लीज़ फ़ोन मत उठाइए, और जैसे ही आपको लगता है कुछ गलत होने की कोशिशें हो रही हैं तो अपने संतुलन को ध्यान में रखिए, अपने मन को जो है सेंटर में रखिए, दिमाग को सेंटर में रखिए, और उस लड़की के जाल में फंसने की बजाय वो फ़ोन जो है वहीं पर काट दीजिए, नहीं तो आप भी किसी भारी भरकम ट्रेजेडी के अंदर फंस सकते हैं। तो ये खबर दिखाने का मकसद यही था, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, क्योंकि आज जो इस आम इंसान बुजुर्ग इंसान के साथ हुआ है वो कहीं आपके साथ भी ना हो। खैर, अगर आप इनको जानते हैं तो आप भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए, जो इंसान सबके लिए फ्री में पानी पिलाता है क्या वो किसी के साथ ऐसा कर सकता है? यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के लघु सचिवालय से। नमस्कार।